हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुचि और सुचि की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा पाउडर बताऊंगी जिसको खाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा, और साथ ही अगर आपके बाल झड़ते हैं या आपको आर्थराइटिस है या आपको किसी भी तरह का कोई पेन है तो उसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसोई। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार चीज़ों को लिया है, जिसमें मैंने लिया है एक कटोरी फॉक्स सीड यानी कि मखाने, एक बोल मैंने फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, एक कटोरी सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद वाले तिल, और एक उसी मेज़रमेंट से एक कटोरी मैंने मेथी लिया है। ये चारों ही चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और इनको मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया, एक एक दो मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, बट मखाने को मैंने अलग रख लिया था। इसमें मैंने जो फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर बाल आपके झड़ रहे हैं या आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया सफ़ेद तिल, जो बहुत रिच होता है कैल्शियम में, और अगर आपकी हड्डियों में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। मेथी जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिलती है, उसमें ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होता है और इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देते हैं। और साथ ही इस मखाने में जो मखाना होता है वो लो सोडियम होता है, और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो या वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा रहता है ये हमारे लिए। सारी चीज़ों को मैंने पाउडर बना लिया मिक्सी में डाल करके, लेकिन मैंने मखाने को अलग से पीसा क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसको छन्ने से छान लिया, फिर जो मैंने पाउडर पीस के रखा था उसमें इसको मिक्स कर लिया। अब फिर से एक बार इसको हम पल्स मोड पे ही मिक्सी में चलाएंगे, और सारी चीज़ों को जब मैंने पहले भी पाउडर बनाया था तो उसको पल्स मोड पे ही बनाया था। अगर हम एक साथ चला देंगे तो उसमें ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। और फिर मैंने पाउडर को एक कंटेनर में एयर टाइट में रख लिया। इसको आप आसानी से 1.5 से 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी भी चीज़ें लीजिएगा सबको साफ़ कर लीजिएगा, और ठंड शुरू होने वाली है तो आप 2 चम्मच सुबह खाली पेट ले सकते हैं, गर्मियों में नॉर्मल पानी से, और ठंड में आप इसको गुनगुने पानी से लीजिए। ये पाउडर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी सेहत के लिए, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको रेगुलर लेती हूँ। अगर आपको ये पाउडर सही लगा हो, अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो 2 से 3 महीने में आपको इफ़ेक्ट ज़रूर दिखने शुरू होंगे। तो इसे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये पाउडर आपको कैसे लगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।